हेलो, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, जरूर बताइएगा। तो आज खुशी की बात यह है, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बारिश हो रही है। लेकिन मेरा गमला इधर देखो, तड़ा निकल गया है, या कि कॉर्नर पर रख दिया था ना, हो गया। लेकिन ये देखो, ये भाई राहत मिली है। बहुत बड़ी खुशी की बात है। ऐसी गर्मी इस साल जितनी गर्मी मुझे लगी है ना, मुझे कभी भी नहीं लगी थी। ऐसे भाई साहब, थोड़ी ये हवा चली, थोड़ी बारिश हो रही ना, ऐसा सुकून मिल रहा है ना जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत मतलब मज़ेदार है। तो कल इनके पापा का था बर्थडे, आज अब दोपहर हो गई है। तो बीबो कल रात में नहीं मंगाया मैंने कुछ, आज दोपहर में मंगाए हैं पिज़्ज़ा। कल कहे थे कि इनके पापा की शाम को मंगा देना, खिला देना इन लोगों को, तो नहीं हो हुआ था। इधर देखो, लेकिन यही दिक्कत ये है कि इनका खाते समय भी कंप्यूटर नहीं बंद रहता। शांत दिमाग से खाना खाना चाहिए जो शरीर को लगे। हाँ, उधर दरवाजे सब खुले हैं, इसी बंद करो। ये लोग एंजॉय कर रहे हैं पिज़्ज़ा पापा के बर्थडे। ये क्या हो गया, लो बैटरी। तो पापा के बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू पापा। अब शांति से बैठ के खाओ एक जगह, ये नहीं कि यहाँ से वहाँ घूम रहे हो। इस समय 3 बज गए हैं दोपहर के, लेकिन बारिश देखो, मज़ा आ गया। ये गमला टूटा कैसे, मुझे कहानी सुनाओ। ये मैं यहाँ पे धो रही थी, पीछे से धक्का लगा और इसलिए कह रहा था ऊपर मत रखो। अरे वो सूख रहा था पौधा, अरे क्या पौधा जिंदा हो जाता उसी के लिए तो वो पौधा उखाड़ा गया था। नहीं, जिंदा हो जाता। वैसे जिंदा है वो, लेकिन ऊपर ऊपर पत्तियां चली हैं। हाँ तो लेकिन गाड़ दो किसी पौधा में, नीचे से जाओ वो ले आओ गमला, अभी गाड़ दोगे तुरंत? हाँ जा रहा हूँ। अच्छी खासी बारिश बढ़िया हो जा रही है, देखो। हाय 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 हाय, तेज हो गई बारिश बढ़िया। नहीं नहाने नहीं, पहली बारिश में नहाना ही नहीं चाहिए, ऊपर से इतना ज्यादा वो गिर रहा है। एसिडिक बारिश है ना पहली बारिश, इसको उठा लो ना, फिर पानी अभी गिरेगा ना, ये पूरा गीला होगा, अभी तो गिर नहीं रहा है। ले जा, वहाँ नीचे फेंक देती हूँ, धुल जाएगा। देखो गमला लेने गए हैं, आ रहे हैं। कोई बारिश में नहा दो? वहाँ नहीं, ये पहली बारिश है, सिटी दूसरी बारिश है। नहीं दूसरी है ही नहीं है यार। चलो भाई लगाती हूँ अभी, और मैं पहले जाएगा। अरे मुझे बोल के डालने गई है, ले जाता। पीछे लाइट देना, बारिश क्या बह के आ रहा है। ये पत्ती है, पत्ती है पौधे को, इसे जिंदा करने की कोशिश करूंगी, देखो हो जाता है कि नहीं। ऐसा टूटा ना, कैसे टूटा है ये, मेरे से ही धक्का लगा था, ही पूछा था। यहाँ किनारे पर रखा हुआ था, इसको रख दिया था इसलिए कि भाई क्या अमरूद है वो। अरे कोई बॉल होती ना, स्पॉन्ज बॉल, देखो गला नहीं इतने टाइम से पड़ा है इसमें। तो वही मैं आप लोगों से ये बताना चाहती हूँ, ये देखिए ये हमारे लड्डू गोपाल के कपड़े हैं, जो कि ये देखो इस तरह से फट गए हैं, सामने ऐसे छेद हो रखे हैं, तरह से सब फटे हुए इनके कपड़े हैं।
रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ये बहुत अच्छा तरीका है कि इस तरीके से आप अपने गमले में कोई पौधा लगा देंगे, धीरे धीरे ये सब कपड़े कंपोस्ट हो जाते हैं, इसमें खाद बन जाती है। तब वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे, मंदिरों के किनारे किनारे प्लीज़ भगवान के कपड़े मत फेंकिए, लोगों के पैर लगते हैं, गंदगी होती है, सड़कों पे बहते हैं, बहुत बुरा लगता है। और फिर पीपल की हम लोग पूजा करते हैं तो पीपल को गंदा क्यों करें। ये तरीका है, आप लोग इस तरह से गमले में नीचे आप भगवान के कपड़े डालो और बढ़िया ये मिट्टी डालो और पौधा लगा दो, अच्छे से कंपोस्ट हो जाता है। ये अलग अलग लेयर में डालोगे या फिर एक जगह? नहीं, थोड़ी मिट्टी डाल के अब ये कपड़े डाल के और ये दबा दो, इसके ऊपर पौधा लगा दो। तो थोड़े डाल के फिर मिट्टी डाल के फिर थोड़े डाल के मिट्टी डाल के? नहीं, वरना पानी कैसे जाएगा? जाएगा धीरे धीरे, ये उसी में दब जाएगा ना। थोड़ा तो मिट्टी के ऊपर डालो अब और इस मिट्टी डाल के इस तरह से और थोड़ी मिट्टी डाल दिया। अब ये पौधा तो हमारा देखो पकड़ता है कि नहीं, बेचारा गिर गया है, नीचे से हरा है, ऊपर ऊपर से सूख गया है। ये देखो देखो पकड़ लिया तो ठीक, वैसे बेचारा जल रहा था धूप से, भीग रहे हैं वो दोनों। वो बच्चा साइकिल में भीगते हुए आया अपनी बहन के लिए छाता लेकर। गुस्सा भी कर रही है उसके ऊपर, गुस्सा भी कर रही है उसके ऊपर। इतने देर से मैं वहाँ खड़ी हूँ, पता नहीं कहाँ लेकर जा रहा है। तो कह रहा है मैं उस वाली गली से आ रहा था, तो कह रही है कुछ नहीं फालतू बकवास कर रहा है। ऐसे इंसान वो होता है कि देखो बहन डांट देती है, भाई चुपचाप सुन लेता है, काम भी करेगा, डांट भी सुनेगा, फिर भी शांति से सुन लिया। फिर ये चीज़ आगे चल के उसके लिए फायदेमंद होती है। कोई घर परिवार में शादी हुई, बीवी ने कुछ बोल दिया तो ये नहीं लड़ने लग जाएगा, तो वो जो है थोड़ा सा आदत रहती है ना, तो थोड़ा बर्दाश्त भी कर लेता है। मैं अपने घर में बीबू का तो ये हाल नहीं है, बीबू तो सबके ऊपर चढ़ बैठी, नहीं सुनता नहीं है ऐसा। सुनता कब है? सुनता तो कम ही है, इनके यहाँ थोड़े मुझे लगता है इनके परिवार में थोड़े मेन डोमिनेंट रहे हैं लड़का के, मेन डोमिनेंट है। मैंने पिताजी को देखा है, वो कभी सुनते नहीं थे, सिर्फ सुनाते थे, मैंने सिर्फ सुनाते हुए उनको देखा है, सुनते हुए तो कभी नहीं देखा। पीछे एलोवेरा क्या करोगे यार, कुछ बिजनेस ही कर डालो। इतना एक किलो कल्पना भाभी से डील करके आई हूँ, कल्पना भाभी आपको चाहिए एलोवेरा? तो कहीं हाँ चाहिए। मैंने कहा आपके गमले तो कहीं मैं खाली कर लूंगी, गमले तुम दो तो पहले। क्या बह रही है मम्मी? मेरे को ना खाने का इधर हो उधर बच्चों पौधों को निकल गिरी है। चप्पल ये वाला पहन रही है, तुम्हारा ये ठीक चलता है? तभी तो खोल के रख दिया, इतना बुरा फिसलता है ना। तो मेरा जूता यार नया वाला तो क्या मतलब, जो सबसे लेटेस्ट है उन सब में कंपैरिजन में वो भी फिसलता है। हाँ आज पता है मैं वॉशरूम गई हाथ धुलने, क्योंकि हाथ में ना वो मिट्टी मिट्टी सारा टेबल पे, इतनी जोर से फिसल रहा था, धीरे धीरे चल के आई फिर पैर रखने में हिल रहा। बदलो ऐसे तो गिर जाओगे तो होगी बारिश में तो पानी। मम्मी बुद्धा का चेहरा घुमाना, बुद्धा का चेहरा ऐसा लग रहा है, ऊपर से बाल है उनके, देखो बाल है। पौधा से सब मुरझा गए, अब बारिश होगी तो सब खिलेंगे। पौधा गिर करके उनका बाल बना दिया है, हेयर स्टाइल एक हेयर स्टाइल। जाता है क्या? हाँ नीचे एरिया ना, केचुआ नहीं होगा कुछ और होता होगा, धान लगाते हैं जो लोग ना। केचुआ नहीं होगा कुछ और होगा, हमें केचुआ के दांत नहीं होता।
बारिश हो रही है मम्मी, आप तो बारिश में नहा रहे हो। योगा क्लास आ गई हूँ, बढ़िया। बाहर देखो पानी पानी हो गया चारों तरफ, हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही है। चलो चलते हैं, क्लास लेते हैं फिर घर चलते हैं। चलो भाई योगा सेंटर से बाहर, बाहर मौसम बढ़िया है। लाखन गाड़ी कीचड़, ऐसा कीचड़ नहीं है, बढ़िया है। यहाँ की मिट्टी ऐसी है कि पैर में नहीं चिपकती, ज्यादा रेत है ना। चलो भाई वहाँ से गजब का ठंडा ठंडा हवा है। बारिश होने के बाद भीड़ देखो, इधर भी और इधर भी, पूरा मेला भरा हुआ है। योगा से आ गए, नहा लिया, पूजा हो गई हमारी, एग्जॉस्ट चला दी हूँ क्योंकि बाहर हवा ठंडा है, अंदर अंदर क्या है थोड़ा गर्म हो रखा है, इसलिए एग्जॉस्ट यहाँ ही नहीं, दोनों बाथरूम का ये किचन का सारे एग्जॉस्ट चला दिए कि बाहर की थोड़ी हवा अंदर आए और बाहर गर्म हवा निकल जाए। तभी क्या है, कॉर्नफ्लेक्स मंगाया है अमेजोन से। कौन सा कॉर्नफ्लेक्स है ये? गोल्ड क्रंची कॉर्न ओट फ्लेक्स, ओट्स ये मंगाते हैं इन लोगों के, सुबह कई बार नाश्ता वगैरह दूर से कर लेते हैं। चलो खाने की तैयारी शुरू कर दूँ, जॉस चल रहा है तो आप लोगों को आवाज़ भी नहीं सुनाई देगी और जॉस चलाना भी ज़रूरी है। पालक में उबाल के पीस के तब लेगी, तुम साबुन से मुँह धो लिया करो, पानी धोने से दाने निकलते हैं, सिर्फ पानी धोने से। पालक क्योंकि ये लोग वो मंगा लिए तो पालक उबाला था, पीस दिया था और कुछ नहीं किया था। तब मसाला पहले मैं तैयार कर लेती हूँ, फिर बना लेती हूँ पालक और पनीर। और कैनवास से मुंह धोया जा रहा है, जहाँ पर ना बहुत ज्यादा दाना निकलता वहीं से लगा रहे तो पता नहीं चलता काम भी ज्यादा। जीरा, हींग, लहसुन और प्याज, ये ऊपर ऊपर इतनी मोटी मलाई है, छाछ कल बन जाएगा, इस टाइम तक कोई पिएगा नहीं।
दही से टेस्ट बढ़ जाता है। आप प्याज तो टमाटर ना भी डालो लेकिन दही डाल दो, इससे बहुत बढ़िया हो जाता है। थोड़ा चावल भी डाल देती हूँ। ये हो गया एकदम बढ़िया, देखिए ऑयल बाहर आ गया है, ये भी हो गया गरम। इधर चावल भी हो गया हमारा और रोटी भी सेक लिया। चलो हो गया खाना तैयार और गैस भी बंद करते हैं। हो गया हमारा खाना भी तैयार हो गया, अब बच्चे खाएंगे। मैं थोड़ा जाती हूँ नीचे टहल कर, आज हवा भी बढ़िया ठंडी चल रही है। इसी के साथ ही आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।